हाँ जी बेटा, आइए पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर, अ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर एंड इट्स एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। किस तरह? एक मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। किस तरह? ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल्स टू ए आई जे। आई का मतलब रो नंबर, आई का मतलब रो नंबर, जे का मतलब कॉलम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते छोटा सा। लेट्स से मैंने कहा एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का नाम ए होगा। लेट्स से ए क्या रख लेते हैं, 17, 24, 13, 2, 5, 9। ठीक है, तो कैसे हम बोलेंगे? अगर इसमें मैं बात करूँ कितनी रोज हैं, ये रो नंबर 1 R1, ये रो नंबर 2। ठीक है, इस तरह बोल लेता हूँ, ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। इस मैट्रिक्स की कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे? A इज इक्वल्स टू, अब A 17 पहला एलिमेंट है, क्या इसकी रो है? रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, यानी A11। हमेशा पहले रो फिर कॉलम। 24 की रो क्या है? रो नंबर 1, कॉलम 2, A12। 13, A13, 2, रो नंबर 2, A2, कॉलम 1, A21, A22 एंड A23। ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अब इसके लिए पिक करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? इन द मैट्रिक्स ए राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर बताना है। कितनी रोज? 1, 2, 3, 3 रोज, 3। कितने कॉलम्स? 1, 2, 3, 4, 4 कॉलम्स, यानी 3/4। एलिमेंट्स कितने हो गए? चाहो तो काउंट कर लो, चाहो तो मल्टीप्लाई, 12 एलिमेंट्स। चाहे काउंट करके देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 एलिमेंट्स। अब कहते हैं राइट द एलिमेंट्स, हमारे को एलिमेंट्स बताने हैं। A13 यानी अगर मैं बोलूँ कॉलम 1, 2, 3, 4, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ठीक है, A13 ये आपको समझाने के लिए लिखा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी 19। A21 2 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35। A33 -5। A24 सेकेंड रो ये रही फोर्थ कॉलम यानी 12। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 5/2। ठीक है, ये पॉइंट था, करिए इसे नोट, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, आइए मूव करते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। क्या कहता है? कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स ए वेयर ए आई जे इज डिफाइंड एज दिस। एक 2/2 मैट्रिक्स बनाना है, ए आई जे की वैल्यू दे रखी है। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं 2/2 में एलिमेंट्स क्या क्या होंगे। A11, A12, A21, A22, यही होगा, 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि एलिमेंट निकालने के लिए इसका यूज करो ए आई जे, यानी आई मतलब रो नंबर, जे मतलब कॉलम नंबर। यानी अगर मेरे को A11 निकालना है तो क्या करूँगा, आई की जगह 1, जे की जगह 1,
स्क्वायर अपॉन में टू कितना हो जाएगा, 1 + 3 9, 9/2, ठीक है। इसी तरह ए 1 2, 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन टू, 1 + 5 यानी 25 25/2। इसी तरह ए 2 1, आई की जगह 2 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन टू, यानी हो गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का ये 8 आ गया। एंड ए 2 2, 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन टू, 2 + 4 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 / 2 = 18। तो मैट्रिक्स क्या हो गया आपका फाइनली, 9/2, 25/2, 8 and 18। लेट्स चेक, आओ चेक करें। वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आई नो दैट कि आंसर सही है। 9/2, 25/2, 8 and 18, यस इस द करेक्ट आंसर। सो अब अटेम्प्ट करिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट राइट नाउ। आइए चलते हैं क्वेश्चन 5 पे, क्या कहता है। कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। एक 3x4 मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट्स इससे डिफाइंड है। ओके, 3x4 में सबसे पहले समझते हैं एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। 3x4, 3 rows 4 columns, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। अब देखिए A11 ये मॉडुलस है, यानी हाफ -3 × 1 + 1 कितना हो जाएगा, हाफ बाहर ही है, -3 + 1 -2, -2 का +2, क्यों, देखो कैसे मॉडुलस में -2, मॉडुलस के अंदर जो भी चीज़ हो वो प्लस हो जाती है, यानी हो गया 2/2, दैट इज 1। ओके, A11, A12 आइए करते हैं। A12 हाफ 3 × 1 + 2, ये हो जाएगा मेरा 1 1/2। थोड़ा मैं डायरेक्ट करना करूँगा वरना अदरवाइज बहुत टाइम कंज्यूम होगा। इसी तरह A13 3 × 1 + 3, दैट विल बी 0। A14 -3 + 4, 1 1/2। ओके, A21 2 यानी -6 - 6 + 1, दैट इज -6 + 1 5, तो 5/2 आ जाएगा, हमने सीधा पॉजिटिव कर देना है। A22 -6 + 2 4, 4/2 यानी 2। A23 2 यानी 6 -6 + 3 दैट इज 3, 3/2। A24 -6 + 4 2 यानी 1। A31 -9 + 1 8, 8/2 यानी 4। A32 मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, 9 and 7 7/2। A33 9 6 6 यानी 3 6/2। एंड A34 5/2। तो मैट्रिक्स क्या बना, 1 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 and 5/2, ये आपका मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। इसे अब नोट करिए,